चैनल में स्वागत है आपका आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी मींस रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी क्या होती है आज हम इस वीडियो में जान लेंगे आपको एक सिंपल सी लैंग्वेज में बता देता हूँ कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए क्या होता है इसमें हम क्या करते हैं किसी एक चीज़ का डी लेंगे फिर किसी दूसरे का डी लेंगे और उन दोनों को आपस में मिक्स कर देंगे मीन्स कम्बाइन करा देंगे तो जो नया डी बना है उसे हम कहेंगे रिकॉम्बिनेंट डी एन ए मीन्स हमने दो डीएनए को एक जगह मिला दिया है तो उस टेक्निक को हम क्या कहेंगे रिकॉम्बिनेट डीएनए टेक्नोलॉजी तो देख लेते हैं रिकॉम्बिनेट डीएनए इसको हम आर डीएनए से डिनोट करते हैं मोलिक्यूल्स आर डीएनए एन ए मोलिक्यूल्स फॉर्म्ड बाई लेबोरेटरी मेथड ऑफ जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन सच एज मोलिकुलर क्लोनिंग टू ब्रिंक टूगेदर जेनेटिक मटीरियल्स फ्रॉम मल्टीपल सोर्स क्रिएटिंग सिक्वेंसिस दैट वुड नोट अदरवाइज बी फाउंड इन द जीनोम मीन्स रिकॉम्बिनेट डी एन ए मोलिक्यूल्स वो डी एन ए के मोलिक्यूल्स होते हैं जो जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन मैथड का यूज़ करके लैब में प्रपेयर करे जाते हैं जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन का मतलब क्या है कि जेनेटिक मटीरियल मीन्स डी एन ए डी एन ए को हम रिकम्बाइन कराएँगे रिकॉम्बिनेशन का मतलब है दोबारा से कम्बाइन कराना इस टेक्निक में कई जगह से जेनेटिक मटीरियल मीन्स डी एन ए जाते हैं और उन्हें कंबाइन किया जाता है और वो एक ऐसा सीक्वेंस बना लेते हैं जो आमतौर पर जिनोम्स में ही पाया जाता है जिनोम्स क्या होते हैं जिनोम्स में सारी इंफॉर्मेशन होती है मीन्स जेनेटिक इंफॉर्मेशन सारी कलेक्ट होती है हमारी जिनोम्स में नेक्स्ट पॉइंट डी एन ए दैट हैज़ बीन फॉम्ड आर्टिफिशियली बाई कम्बाइनिंग कंस्टिटेंट फ्रॉम डिफरेंट ऑर्गेनिज्म मीन्स बोवाला डी एन ए जिसको हम आर्टिफिशियली मीन्स लैब में प्रिपेयर करते हैं दो डिफरेंट ऑर्गेनिज्म को एक साथ मिलाकर कर मीन्स दो डिफरेंट ऑर्गेनिज्म के डीएनए को एक साथ मिलाकर हम जो नया डीएनए बना देते हैं उसे हम कहते हैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए और उसमें जो टेक्नोलॉजी यूज़ हो रही है हम उसे कहेंगे रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी तो अब हम इसका प्रोसेस देख लेते हैं कि इसको कैसे बनाया जाता है प्रोसेस ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी पहला पॉइंट देख लेते हैं प्रप्रेशन ऑफ डिज़ायर डी एन ए मीन्स डी एन ए को हम कैसे बनाएंगे द डिज़ायर जीन टू बी क्लोन्ड इज इन सेल डी एन द सोर्स ऑर्गेनिज्म अलोंग विद सेवरल जीन्स मीन्स हमें एक डिज़ायर जीन डिज़ायर जीन का मतलब है कितनी क्वान्टिटी में हमें जीन चाहिए और उसकी हमें क्लोनिंग करनी है क्लोनिंग का मतलब होता है उसी के जैसी जीन बनानी है मीन्स उसी के जैसी फोटोकॉपी सिंपल भाषा में हम कह सकते हैं और वो भी कहाँ बनानी है सेल के डीएनए में और वो भी सेल का डीएनए कौन सा है किसी एक सोर्स का और उस सोर्स में बहुत सारी जीन्स प्रजेंट होंगी पहले से ही तो उस जीन में हमें डिज़ायर जीन को क्लोन कराना है मीन्स हमें उसकी कॉपी करानी है इट शुड बी आइसोलेटेड फ्रॉम अदर जीन ऑफ दिस सेल डीएनए फॉर जीन मैनिपुलेशन जो डिजायर डीएनए है उसे हम आइसोलेट आइसोलेट करने का मतलब है उसे किस जगह से निकालते हैं तो हम उसे किसी सेल की जीन से उसे आइसोलेट करते हैं और आइसोलेट हम उसे क्यों करते हैं ताकि हम उसमें जीन मैन्युपलेशन करा सकें जीन मैन्युपलेशन का मतलब है कि हम उसमें कोई चेंजेस कर सकें नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं स्क्रीनिंग ऑफ डिज़ायर डी एन हमें कैसे मिलेगा डिज़ायर डी द डिज़ायर जीन मे बी प्रजेंट इन एनी वन ऑफ द डी एन ए फ्रेगमेंट ऑपटेन फ्राम दोर्स डी एन मीन्स जो हमारी डिज़ायर जीन है वो हमारी किसी भी डीएनए के फ्रेगमेंट में पाई जाती है डीएनए फ्रेगमेंट का मतलब है डीएनए के पीस में मीन्स डीएनए को कट करा गया है रेस्ट्रिक्शन एंडो न्यूक्लियस से तो उसके किसी भी पीस में हमें डिज़ायर जीन मिल जाएगी और डीएनए फ्रेगमेंट हमारा कहाँ से ऑपटेंड होता है सोर्स डी एन किसी एक डी से टू आइडेंटिफाई द डिज़ायर डी एच एंड एवरी फ्रेगमेंट इज इंसर्टेड इन टू डी एन एंड रिकॉम्बिनेट वैक्टर डी एन इज़ इन अ बैक्टीरियम अगर हमें डिज़ायर डी एन ए को आइडेंटिफाई करना है कि हाँ यही हमारा डिज़ायर डी एन ए है तो जो हर एक फ्रैगमेंट होता है डी एन ए का उसको हम वैक्टर डी एन ए में डाल देते हैं वैक्टर डी एन ए में क्या होता है कि जो डी एन ए होता है उसमें किसी और डी एन ए के सिगमेंट पाए जाते हैं किसी और डी एन ए के सिगमेंट मतलब जैसे ए सी जी टी ये जो ए जी सी टी हैं ये हमारे डी एन ए के सिगमेंट होते हैं तो उसमें हम डी एन ए के फ्रैगमेंट को वैक्टर डी एन ए में इंट्रोड्यूस करा देते हैं मीन्स उसमें डाल देते हैं मीन्स जो नया डी एन ए वैक्टर बना है तो उसे हम कहेंगे रिकॉम्बिनेंट वैक्टर डी एन ए अब रिकॉम्बिनेंट वैक्टर डी एन ए को हम किसी एक बैक्टीरिया में मीन्स एक बैक्टीरिया में उसको डाल देंगे द रिकॉम्बिनेंट बैक्टीरिया इन द कल्चर आर सेलेक्टेड यूजिंग सुटेबल मेथड तो जहाँ भी रिकॉम्बिनेंट वर्ड आ रहा है तो आप समझ ही चुके होंगे रिकॉम्बिनेंट का मतलब है कि नहीं दो सेम चीज़ों को रिकम्बाइन कराना मीन्स दोबारा से उनको जोड़ना उसे हम कहते हैं रिकॉम्बिनेंट तो यहाँ बैक्टीरिया की बात हो रही है तो हम एक सुटेबल मीन्स एक अच्छा सा मेथड यूज़ करते हैं जिससे कि हम रिकॉम्बिनेंट बैक्टीरिया का सिलेक्शन कर पाते हैं वो भी किस लिए कल्चर के लिए कल्चर का मतलब होता है कि जैसे हम वायरस पंजाई बैक्टीरिया वगैरह लेते हैं और उसकी लैब में हम ग्रोथ कराते हैं तो आगे देख लेते हैं अब दस वेरियस बैक्टीरिया क्लोन ईच ओ विच कैरीज अ स्पेसिफिक जिनोमिक टी एन ए फ्रेगमेंट्स आर स्क्रीनड एंड सब कल्चर इन सुटेबल मीडियम तो उसके बाद क्या होता है कि जो बैक्टीरिया होती है उनकी क्लोनिंग हो जाती है क्लोनिंग का मतलब है एक बैक्टीरिया से दूसरा बैक्टीरिया बन जाता है तो जो हर एक बैक्टीरिया होता है वो जीनोमिक डीएनए फ्रेगमेंट को कैरी करके रखता है मीन्स जो हर एक बैक्टीरिया है उसके पास जीनोमिक डीएनए फ्रेगमेंट होते हैं जीनोमिक डीएनए फ्रेगमेंट का मतलब है उसके पास सारी इन्फॉर्मेशन होती है जेनेटिक मटीरियल की फिर जो हमारे पास बैक्टीरिया बना है उसको हम स्क्रीन कर लेते हैं मीन्स उसको अलग निकाल लेते हैं फिर हम उसका कल्चर करा देते हैं सब कल्चर का मतलब है जो हमारे पास बैक्टीरिया आया है उसको हम दोबारा से ग्रोथ कराएंगे मीन्स एक नया कल्चर फिर से हम तैयार करेंगे नेक्स्ट पॉइंट द कलेक्शन ऑफ बैक्टीरिया एच ओ विच कैरीज़ ए यूनिक जीनोमिक डी एन ए फ्रेगमेंट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज़ कॉल्ड जीन लाइब्रेरी तो जो हमारे पास बैक्टीरिया आया है उनको हम कलेक्ट करेंगे और उस बैक्टीरिया के पास क्या होगा एक अलग जीनोमिक डी एन ए फ्रेगमेंट होगा जीनोमिक डी एन ए फ्रेगमेंट क्या होता है मैंने अभी आपको बताया है तो जो हमारे पास कलेक्शन करने की टेक्निक है उसे हम कहेंगे जीन लाइब्रेरी तो आपको ये प्रोसेस में डायग्राम के थ्रू बता देता हूँ ये हमारे पास यूकैरियोटिक सेल का जीनोमिक डीएनए है जो रिकॉग्निशन साइड दिखा रहा है इंड थर्ड और ये हमारे पास प्लाज्मिड है तो इन दोनों को कट कर लिया गया है रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस के द्वारा अब इनको कट कर लेंगे तो इनके छोटे छोटे पीस आ जाएंगे इधर प्लाज्मिड के पीस आ जाएंगे और इधर जीनोमिक डीएनए के पीस आ जाएंगे फिर हम इसमें डीएनए लाइगेज डालेंगे तो डीएनए लाइगेज हमारा हेल्प करता है डीएनए को जोड़ने के लिए वो क्या करेगा इन कटे हुए पीसों को आपस में जोड़ देगा ये आपको दिखा रखा है ये ब्लैक ब्लैक हमारा जीनोमिक डीएनए है और ये नीचे प्लाजमिड है तो इन दोनों को आपस में जोड़ दिया है तो जो हमारे पास नया प्लाजमिड आया है ये इसको हम स्ट्रेचर इस कोलाई में ट्रांसफॉर्म कर देंगे ट्रांसफॉर्म करने का मतलब है कि हम इसको स्चरेचर कोलाई में डाल देंगे स्टरेचर कोलाई क्या है एक बैक्टीरिया है तो इसके बाद देख लेते हैं सिलेक्शन ऑफ रिकॉम्बिनेंट मीन्स हमें किसके साथ इसको कंबाइन कराना है हम उसकी सिलेक्शन करेंगे नेक्स्ट रिकॉम्बिनेंट स्चरेचर कोलाई तो हमारे पास रिकॉम्बिनेंट स्चरेचर कोलाई है इसको इसके साथ रिकम्बाइन कराएंगे फिर हम क्या करेंगे स्क्रीनिंग कराएंगे वो भी एक सुटेबल मेथड का यूज़ करके वो मेथड कौन सा है इम्यूनोकेमिकल मैथड तो जो हमारे पास नया बैक्टीरिया आया है उसकी हम सब कल्चरिंग कराएंगे मीन्स उसको हम सब कल्चर कराएंगे उसको एक नया कल्चर मीडियम प्रोवाइड कराएंगे तो ये हमारे पास आ गई बैक्टीरियल क्लोन्स मीन्स जो हमारे पास बैक्टीरिया थे उनकी कॉपी आ जाएगी जिसे हम कहते हैं जीन लाइब्रेरी थर्ड पॉइंट देख लेते हैं इंसर्सन ऑफ डिज़ायर डी एन ए इंटू वैक्टर डी एन ए तो देख लेते हैं इसमें द डिज़ायर डी एन एज कोल्ड इंसर्ट डी एन एंड इट ट्रांसफर इन टू वैक्टर डी एन ए मीन्स जो डिज़ायर डी एन ए हैं उसे इंसर्ट डी एन ए कहते हैं इंसर्ट का मतलब क्या होता है कि जैसे ये डी एन ए है तो दूसरे डी एन ए का कुछ पार्ट इस वाले डी एन ए में होगा तो हम उसे कहेंगे इंसर्ट डी एन ए तो जो ये इंसर्ट डीएनए है इसको हम वेक्टर डीएनए में ट्रांसफ़र कर देंगे द डीएनए एन ए फॉर्मड वाई कम्बाइनिंग डिज़ायर डी एन विद वैक्टर डी एन ए इज कोल्ड रिकॉम्बिनेंट डी एन जो नया डी बना है डिज़ायर डी को और वेक्टर डीएनए को एक साथ कंबाइन कराने पर मीन्स एक साथ जोड़ने पर तो हम उसे कहेंगे रिकॉम्बिनेंट डीएनए जॉइनिंग ऑफ डीएनए विद वेक्टर डीएनए कॉल्ड लाइगेशन कोल्ड मीन्स जब हम डी को मीन्स डिजायर डी को वेक्टर डी से जोड़ेंगे तो उस प्रोसेस को हम कहेंगे लाइगेशन और उसमें जो टेक्नोलॉजी हम यूज कर रहे हैं उसे हम कहेंगे रिकॉम्बिनेंट डी टेक्नोलॉजी नेक्स्ट पॉइंट आइडेंटिफिकेशन ऑफ रिकॉम्बिनेंट द होस्ट सेल कंटेनिंग रिकॉम्बिनेंट डी एन एज कोल्ड होस्ट सेल कोई भी हो सकती है मीन्स वो सेल जिसमें रिकॉम्बिनेंट डी होगा हम उसे कहेंगे रिकॉम्बिनेंट रिकॉम्बिनेंट्स अकर्स अलोंग विद नॉन रिकॉम्बिनेंट इन कल्चर मीन्स जो रिकॉम्बिनेंट्स होते हैं वो हमारे नॉन रिकॉम्बिनेंट मीन्स जिसमें रिकॉम्बिनेंट डीएनए नहीं होगा उसके साथ प्रेजेंट होंगे और वे दोनों कहाँ पर प्रेजेंट होंगे एक कल्चर में मीन्स कल्चर मीडियम में दिस स्क्रीन प्रोडक्ट आर यूज इन इंडस्ट्री मीन्स जो हमारे द्वारा अलग करा गया प्रोडक्ट है मीन्स जो रिकॉम्बिनेंट है उसे हम इंडस्ट्री में यूज़ करते हैं तो ये था रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी आज के लिए बस इतना ही आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताना और आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए जिससे कि आपको हमारी वीडियोज़ मिलती रहे थैंक यू फॉर वॉचिंग